अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यार मैं बोलता हूँ ना, ये डक्स बोलने लग जाते हैं। आज यार मैं आपको रेवो की सारी स्टोरी और अंदर की बातें और ख़ास ख़ास बातें और बहुत ही ज़्यादा टची बातें बताने वाला हूँ कि आखिर रेवो के साथ हुआ क्या और वो है कहाँ और किस हालत में है। पब्लिक ये डिस्कशन यार रेवो के बारे में आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। असल में आपको पता है मॉडिफिकेशन की बात थी, उसके बाद जो है ना मैं अचानक से रेवो के साथ गुम हो गया। उसका रीज़न था यार कि इसमें ना थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था और हमारे जो यहाँ के मैकेनिक्स हैं ना, उन्होंने इतना ख्वार किया, इतना कुछ लूटा कि मैं आपको बता नहीं सकता। असल में यार मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और गेमिंग के बारे में ज़्यादा पता है, गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं है, बस शौक़ है आपको पता है, और शौक़ जो है वो आपके लगवाता है गंदे वाले। तो मैकेनिक्स के पास गया, अलग अलग जगह पर धक्के खाए, लेकिन कोई भी सही से ना फॉल्ट दूर कर रहा था और ना मसला बता रहा था। किसी ने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 और एक जगह पर तो 2,500 के आसपास का बिल बना था। तो मैं बहुत लूटा, उसके बाद मेरा थोड़ा दिल उठ गया। फिर मैंने जो वो क्रिट शीट थी वो सारी उतार के रख दी यार, और मेरा दिल था रेवो को दे दूँ। इतना मेरा दिल खट्टा हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पैसे थे सेविंग्स की हुई थी वो लग रहे थे। और मैंने उसकी किट भी उतार दी और उतार के रख दी। इतना दिल ज़्यादा टूट गया था, लेकिन फिर एक पॉजिटिव एनर्जी आई। उसने बोला, मोबेन साहब ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते रहेंगे, उठो और पब्लिक को बताओ। तो फिर पब्लिक, अभी मैं आपको सामान दिखाता हूँ, रेवो दिखाता हूँ, चूना लगने के बाद भी बस मुस्कुरा रहा है आपका भाई, बहुत ज़्यादा चूना लगने के बाद भी। और अभी मुझे थोड़ा सा उसका मसला पता चल गया, वो इंशाल्लाह मैं फिक्स आगे करवाऊँगा। और वापस से मेरा दिल कर रहा है कि उसकी किट लगवाई जाए, और अगर रैप करवाना है या फिर उसके अंदर जो भी चेंजिंग करवानी है वो करवाई जाए, लेकिन रेवो को रखा जाए। हाँ, दूसरा कि यार इतने ज़्यादा छुट्टियाँ, उतना ज़्यादा वीडियोज़ ना आने का रीज़न, तो मैं थोड़ा सा डाउन चल रहा था तबीयत भी, और साथ में वो नेगेटिव चीज़ें भी लाइफ में, तो बड़ा डाउन हो गया था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन आई प्रॉमिस अब वापस से एक्टिव, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठेंगे, बल्कि उठ गए हैं। और मैं आपको रेवो दिखाता हूँ और डेली का कंटेंट स्टार्ट करते हैं यार, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बस आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, और मेरी सेहत के लिए, मेंटल पीस के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। कंटेंट बनाते हैं आज। चलिए आपको दिखाते हैं रेवो का अलग सा न्यू लुक, जो दिल बर्दाश्त हो गया, आपके बाबा जी ने कर दिया था, और वापस से उसको मॉडिफाइड रेवो करना पड़ेगा हमें। दिखा दे, दिखा दो। चलो, मेरा सच में बड़ा दिल टूट गया था यार, चूना लगवा लगवा के, लेकिन अब वापस से पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यार देखो, ये हमारा वही साइको है, ठीक है, जो आपको काफ़ी चेंज नज़र आ रहा होगा। अभी गंदा हुआ, बारिश में खड़ा था तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। ऊपर से हैमर वाला वो उतर गया, बिल्कुल सिंपल हो गया था। टायर सेम है हमारे, किट डिफरेंट लगी है, ठीक है, और फ्रंट से भी लाइट्स वगैरह मैंने चेंज करवा के ना उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था यार, ये लाइट्स चेंज हुई थी इसकी, ठीक है। गंदा हो रहा है वो अवॉइड कीजिएगा, और नीचे का बम्पर सारा चेंज हुआ था। तो अभी ऐसा सीन है गाइस कि मेरा दिल कर रहा है वापस इसको ना मॉडिफाइड किया जाए, कर दिया जाए। मुँह ऐसा क्यों बना रहा है? नजला जुकाम। अच्छा, छींक आ रही थी, रुक गई या चली गई? अरे देख, अरे कर दिया जाए। तो गाइज वापस से इसको ना मॉडिफाइड रेवो किया जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसका सामान आपको दिखाता हूँ, अंदर ही पड़ा हुआ है। यार मेंटल हेल्थ के साथ साथ ना फिजिकल हेल्थ भी बहुत गंदी हो गई, क्योंकि पहले पिच ठीक थी, हम लोग खेलते थे, और अब पिच भी जो है बढ़ चुकी है बिल्कुल। तो हेलो मम्मी, कैसे पहचानते हो इसको? तो वापस से मुझे लग रहा है क्रिकेट भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, गेमिंग भी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ताकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी एकदम यस पस रहे। गाइज चौधरी और साइलेंट ना अमरूद चोरी करने गए, चोर हो गए, अमरूद चोरी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चोर अमरूद चुरा रहे हैं, और शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी जगह पे है, अपनी। ये सारे चुरा चुरा के खा रहे होते हैं, बाजार से नहीं ला सकते, इधर भी चुरा के खा रहे होते हैं। ये और अमरूद चोर आ गए, ये भी अमरूद चोर, टोला आ रहा है अमरूद खाने, ये भी अमरूद चोर आया गाइस। अभी आप तो नहीं चुरा रहे? मैं और आप ठीक है, वापस चलते हैं। घुड़ है, पहले मैं उसको गाय को खिलाता हूँ, और फिर जो भी बोलूंगा, जो भी खाएगा उसको पैसे मिलेंगे ढेर सारे। तो देखते हैं कौन खाता है। कहानी मेरी प्यारी भोली, सारा नहीं खाना, वैसे ने गीला कर दिया, अभी इसको खिलाया था वैसे दवाई के तौर पे, अब जो है मैं जा रहा हूँ बाकियों को खिलाने। अगर तू ये खाएगा मेरी तरफ से 5,000 इनाम, जो भी ये खाएगा, जो ये खाएगा 5,000 इनाम। ये तो वैसे ये यार, ये तो गुड़ के साथ होता है ना। अगर यहाँ से लिक करेगा 5,000 इनाम। वही कर ले, क्या सोच रहा है? बाकियों को भी ऑप्शन देता हूँ मैं, क्या करना है? कर तू कर ले, उसको 5,000 नहीं चाहिए यार, तू कर ले। नहीं, जिन कर नहीं, तू कर ले, जिन कर, जिन कर, जिन कर।
ओए गाय ने खाया हुआ है सच में कर रहा था वो हाँ ये सारा देख रहे गाय का ये बोल गीला करके लाए अब खा ले खा ले हाँ भाई आप ये खाएंगे ना तो आपको पार्टी हाई भी चीजें खिलाऊंगा मैं आपको खुद पार्टी खिलाऊंगा आई आहा बहुत चंगा ना मैं अरे खा लो अरे मीठा अच्छा होता है अरे खा लो It was at this moment that he knew he f***ed up. गाइस इसके अमरूद में कीड़े हैं और इस तू समझा मैंने यार आपको रेवो का सामान दिखाता हूँ जो मेरे दिल के बड़ा करीब था और मैंने उसको उतार के रख दिया डिसाइड होके मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ये बकरा है और इस जिन ने पाल रखा है उसको गाइस वो सामान मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पास में पब्लिक ये सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है तो उसको मैं वापस से पेंट कराऊंगा और वापस से साफ सफाई करवा के इसकी वापस इसको एकदम यस जीरो मीटर करना पड़ेगा हमें गाइस साइलेंट दरख्त के ऊपर चढ़ गया नीचे नहीं उतर रहा है कब से बुला रहा हूँ नीचे आ जा साइलेंट नीचे उतर क्यों अच्छा ठीक है दो बंदर आपस में खेल रहे हैं और एक बोलता भी है ओए तू उसको डरा रहा है मैं कहां डरा रहा हूं दूर जा खड़ा गले लगा ना वो कह रहा है जा काम कर अपना वैसे तो तू गले लगता होता है क्या कर रहा है मस्ती का रहे हैं ओ सुतिया मैंने बोला था ये करेगा मुझे कहता नहीं मुझे कहता कोको को ना कंधे बिठा मैंने कहा ये सुसु कर लेगा कहता नहीं करता ये देखो इसे समझाया इसमें जब पहली बार लगाया था उसने हवा में ही पॉटी किया इसने भी छोड़ा फिर गाइस ठीक है हम किसी चौधरी को नहीं जानते अब पब्लिक आज मेरा और साइलेंट का चैलेंज भी हुआ है हम लोग ना एक वाओ मैप है उसके सात राउंड्स खेलने वाले मेरी अलग टीम है मेरी टीम में फ्यूरी दानी मैं और एमके है और सब्स्टिट्यूट हमारा होगा अल्लाह भला करे कौन था किंग सब्स्टिट्यूट होगा साइलेंट की टीम में साइलेंट जिन और जुबी सब्स्टिट्यूट और साथ में जायरोग और पांचवा स्मोकी भी है तो ये सारे प्लेयर्स हैं हमारे और सात राउंड होंगे जो हारा उसका मेकअप होगा तो वो वीडियो में गेमिंग पे पोस्ट करूंगा और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार इसको तो मैं इसकी टीम को तो हरा ही दूंगा पटाखा निकला यूं करके हवाई है सारी बिस्तिक रही है अपनी वो देखो पकड़ के बैठ गया अब मैं लेकिन जीतूंगा मैं ही मुझे इतना पता है यार वो आप देख लेना किसका मेकअप हो रहा है आपको पता चल जाएगा अभी बाहर जाता हूँ यार कुछ खाने को लेके आता हूँ भूख लगी चूरन खाए यार किधर बाहर जा रहे हैं यार तेरे चूरन से मैं बड़ा तंग हूँगा इतना चूरन खाता है ना ये बंदा इतना गाइस ऐसे तो नहीं लंबा कद हो रहा अगर आपका कद लंबा नहीं हो रहा आप भी चूरन खाओ का कद लंबा हाँ चूरन हर्ट मर्द का इलाज चूरन इससे इंसान पूरा का पूरा लंबा हो जाता है कुछ मसले नहीं हल होते छोड़ दे तू ना खाएं पब्लिक मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ उस पर मैं चैलेंज खेलने वाला हूँ टीम स्टार के साथ और जो हारेगा उसके साथ जो होने वाला है वो आपको लास्ट में पता चलेगा रेडी रहना है रूल्स मैं आपको बता दूँ सिंपल इनको मैंने बता दिया इनके आगे सबके आगे अपने अपना ग्लास होगा इनको गुब्बारा फुलाना है गुब्बारे की हवा से ग्लास को फिनिश लाइन तक लेके जाना है अगर ये ले गए तो जीत गए लूजर्स के साथ जो होता है वो आप देखोगे असल में चौधरी की वजह से वेट कर रहे हैं हम चौधरी ना सुसु वाली कपड़े चेंज करने गए कोको सुसु वाले कपड़े फाइनली चेंज कर ही रहे चौधरी क्या कहना चाहेंगे बात तो सही है बात में पब्लिक इनको ना गुब्बारा फुलाना है ऐसे और ऐसे आगे ले जाना है ऐसे तो ये जिसका गिलास फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वो जीतेगा और जो हारा उस पनिशमेंट में लास्ट में आपको दिखाता हूँ चलो जी 3, 2, 1, go और ये हार भाई ने बड़े अच्छे से किया साइलेंट ने जो भाई दिमाग लगाया जिनका गिलास गिरा हारिस भाई कभी गिर गया गिलास चलो 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 जिन बड़े स्मार्टली खेलते हुए स्लो स्लो फिर भी गया ओ नाइस बिल्ला और हारिस भाई बहुत अच्छे से ओ दोनों के गिलास गिरा हारिस भाई ने अपना भी गिरा दिया बिल्ले का भी गिरा दिया हाँ गाइस चौधरी को ट्रिक पता चल गई है पी पी करता हुआ आ रहा है स्लो स्लो पी 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 ओ नाइस ओ बच गया ओए जिन गिराने वाला था अब ये जिन हरदे का गिराएगा ये हरदे जिन का गिलास गिराएंगे बिल्ला अभी तक पीछे फंसा हुआ है ओ नाइस जिन बहुत क्लोज है गाइस मैं बोला हरदे तेरा भी गिराएंगे मुझे लग रहा है ए ये चीटिंग ही है यार मैं नाइस 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 यार क्या है भाई हार भाई कंप्लीट करने वाले हैं खराब करने के लिए साइलेंट करीब आ चुका है ओ ओ तीन बंदे वेरी क्लोज
हारिस भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए, हारिस भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए, हारिस भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए, जीत गए, हारिस भाई विनर, हारिस भाई विनर है। सेकंड कौन आता है? जिन सेकंड है साइलेंट थर्ड हो सकता है, चौधरी की वार्ड लग सकती है। और ये हारिस भाई फर्स्ट, मुबीन भाई जिन सेकंड, साइलेंट थर्ड। इसका गिलास भी गिर रहा था, खुद भी गिरा हुआ है। ऐसे लटाया भाई, ऐसे मेरा ऑपरेशन हो रहा है। वही है ना, मेकअप कर रहा था मेरा पिछली वीडियो में। मैंने तो नहीं किया था यार, बिल्ले नहीं किया था यार, मैंने तो अच्छे से लगाई थी। नीचे नीचे बात नहीं, लेट जाओ यार, लेट जाओ, लेट जाओ। तो फाइनली गाइस चौधरी रेडी है, आराम से ये ऊपर करे, किधर एक इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा। चौधरी आर यू रेडी? आराम से, अब मजा आएगा। ठंडी ठंडी आज और से लगी है। ओ हारिस भाई, हारिस भाई देख के। जब तक अजाने हो रही थी, हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में। अब छुट्टी कोशिश करेंगे कम से कम हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, दिल से लव यू, बहुत सारा प्यार, अल्लाह।